नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए तो हमें अभी भी कई महीनों का इंतजार करना है, पर लग रहा है कि राजनीतिक तापमान जो है काफी गर्म हो गया है, पहले से गर्म हो गया है। तनाव तो होता ही है, पर आक्रोश लग रहा है दोनों तरफ से, गुस्सा काफी है, और जो तनाव शायद हम अगले 2-3 महीने में देख सकते हैं, शायद ही कोई राज्य में कोई चुनाव होगा जिसमें इस किस्म की गर्मा गर्मी शायद हो। अगर आप देखेंगे कि वो जो हमला हुआ था जेपी नड्डा के मोटर केड पर, उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली आना चाहिए, समझाना चाहिए कि वहां क्या होना है। आज उन्होंने कहा, डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल के ने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम दिल्ली नहीं आएंगे, इस मीटिंग में हम भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर तहकीकात पहले से पश्चिम बंगाल में चल रही है। तो ये बस एक ही उदाहरण है जो दर्शाता है कि किस किस्म का तनाव अब बन रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और अगर आपको एक और संकेत चाहिए तो आज राज्यपाल जो हैं, जो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने आके टीवी इंटरव्यू दिए, कई बयान दिए, उन्होंने कहा एक तरह से कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की जागीर नहीं है। इस किस्म का जो जो बयान आ रहे हैं राज्यपाल की तरफ से, ये भी संकेत है कि कितना गर्म वहाँ राजनीतिक तापमान हो सकता है अगले 2-3 महीने में। हाँ, हमारी तरफ से हम एक चीज जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को फॉलो करना चाहते हैं और अगर आप बंगाली बोलते हैं तो एडिटर जी का बंगाली वर्जन भी है, बंगला में है एडिटर जी का ऐप, तो आप एडिटर जी ऐप को डाउनलोड करें, बंगला लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और फिर आप बांग्ला में भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार क्या हो रहा है। चलिए आप देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रार थमती नजर नहीं आ रही। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार के 2 आला अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि सोमवार को राज्य के प्रमुख सचिव और DGP गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल नहीं होंगे। चिट्ठी में आगे लिखा है कि क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, लिहाजा इन अधिकारियों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत तेज हो गई है। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल के DGP और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। दोनों अफसरों से सुरक्षा में चूक पर सवाल जवाब किए जाएंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को राज्य का दौरा करेंगे। बता दें कि जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को उस समय हमला हुआ जब वह पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने डायमंड हार्बर जा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर बंगाल में सियासत अब चरम पर पहुंच गई है। राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि ममता बनर्जी से माफी मांगने तक की बात कह दी। राज्यपाल ने कहा कि भारत के संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए, यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो फिर मेरा दायित्व शुरू हो जाएगा। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बंगाल के कल्चर की आहुति मत दीजिए, बंगाल के कल्चर को डेसिमेट मत कीजिए, माफी मांगने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान के आंदोलन को लेकर अब बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी ने शुक्रवार से ही देश के अलग अलग जिलों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपालों के आयोजन का फैसला लिया है। पार्टी इस अभियान के तहत आम जनता को कृषि कानूनों के फायदे के बारे में बताएगी। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 26 नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। सरकार से उनकी 5 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो किसानों से फिर से बातचीत को तैयार हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के भानु गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की टॉप कोर्ट से उन्होंने अपील की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूनियन ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि नए कानून अवैध और मनमाने हैं। याचिका में दावा किया गया है कि नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, जिसमें किसान कॉरपोरेट के रहमो करम पर होगा।
कई कोशिशों के बावजूद नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं अब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आम लोगों के हित का हवाला देते हुए किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अब भी दिल्ली बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ अलीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इन किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह बंद है। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान भारी संख्या में डेरा डंडा गाड़े बैठे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी कम से कम 6 हफ्ते और इंतजार करना होगा। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू की जमानत पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। दरअसल सीबीआई के वकील ने ये कहते हुए समय मांगा कि उनके वरिष्ठ वकील की माताजी का निधन हो गया है, इसलिए समय दिया जाए, तो लालू यादव की ओर से भी समय मांगा गया क्योंकि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी उन्हें अब तक मुहैया नहीं कराई गई है। दरअसल लालू की सजा का आधा समय अभी खत्म होने में 40 दिन बचे हैं और जल्द रिहाई के लिए ये जरूरी शर्त है। तो वहीं सीबीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि लालू की तबीयत ठीक है, इसलिए उन्हें रिम्स से हटाकर जेल भेजा जाए। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल को लेकर चल रही खबरों पर पार्टी ने विराम लगा दिया है। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने साफ किया है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा और भूपेश बघेल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो लोग इस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूं और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। पंजाब सरकार ने सूबे में लगाए नाइट कर्फ्यू की मियाद 1 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके अलावा लोगों के जुटने और इकट्ठा होने पर भी पहले की तरह रोक कायम रहेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन करें। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया के लिए राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। हालांकि रोहित टीम इंडिया के लिए कितने टेस्ट खेलेंगे इस पर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रोहित आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि रोहित शर्मा पिछले 20 दिनों से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। कई रियलिटी शोज के जज और दिग्गज कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को शुक्रवार दोपहर हार्ट अटैक आ गया। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि रेमो की पत्नी लिज उनके साथ अस्पताल में मौजूद है। बताया जा रहा है कि रेमो अभी आईसीयू में हैं। रेमो डिसूजा ने ABCD और स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। दूसरे विश्व युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान में हुई जंग में शामिल रहे रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल शुक्रवार को 100 साल के हो गए। पृथ्वीपाल सिंह भारत के इकलौते ऐसे अफसर हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। इस जाबाज ऑफिसर के 100वें जन्मदिन के खास मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से गिल के बारे में जानकारी दी और उनकी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल 100 नॉट आउट। भारतीय सेना ने भी उनकी तस्वीरें साझा की हैं। जी हाँ, ये वही किसान हैं जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रास्ता रोके बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने इनका रुख भले ही सख्त हो, लेकिन इनका दिल सख्त नहीं है। तभी तो इन्होंने न केवल वहां से गुजर रही एक बारात को रास्ता दिया, बल्कि साथ नाचकर बारातियों की खुशी में शरीक भी हुए। अपनी बारात में जुड़े इन नए मेहमानों को देख दूल्हा भी फूला नहीं समाया और उन्होंने भी इनकी मांगों का समर्थन किया।